फ्रेंड्स, मैं आती हूँ और डिमसन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू टिक्की चाट। ये बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को पसंद आती है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। तवा टिक्की चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चार आलू लिए हैं, इनको बॉयल करके हमने छील लिया है। 3 चम्मच कॉर्न फ्लोर, 3-4 चम्मच तेल, हरा धनिया, 2 हरी मिर्च, दही, हरे धनिया की चटनी, इमली की चटनी, काला नमक टेस्ट के अनुसार, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, भुजिया, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, इसको मैंने जीरा को भून लिया था, उसके बाद इसको हमने पीस लिया नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आलू को ग्रेट कर लूँगी। तो इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है और इस कद्दूकस से मैं आलू को कद्दूकस कर लूँगी। आलू को कद्दूकस करने से आलू बहुत एकदम चिकना हो जाता है, इसमें गांठें नहीं रह जाती हैं और टिक्की बहुत अच्छी बनती है। तो इसी प्रोसेस में मैं सारे आलू कद्दूकस कर लूंगी। आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है, अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे और नमक हम थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि हमें ऊपर से भी डालना होगा काला नमक। और इसमें हम कॉर्न फ्लोर डालेंगे। इसमें मैंने 3 चम्मच कॉर्न फ्लोर डाला है, इसकी जगह आप आरा रोट या ब्रेड क्रम डाल सकते हैं। आप 2 ब्रेड लीजिए और मिक्सर जार में पीस लीजिए, उसके बाद ब्रेड क्रम बनाकर इसमें आप डाल सकते हैं। इससे क्या होता है कि इसका मॉइस्चर चला जाता है और अच्छी बाइंडिंग भी हो जाती है और टिक्कियों में क्रिस्पनेस आ जाती है। तो अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको मिक्स करके एक अच्छा सा हम डो तैयार करेंगे, बिल्कुल हमें चिकना डो तैयार करना है। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से तैयार कर लिया, अब हम हाथ में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसको चिकना कर लेंगे। ये हमारा चिकना डो बनकर तैयार हो गया है टिक्की के लिए, अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर। तो टिक्की बनाने के लिए पैन हमने गैस पे चढ़ा दिया है, गैस के फ्लेम को मैंने लो मीडियम रखा है। अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच तेल डाल देंगे। ये हमने 4 चम्मच इसमें तेल डाल दिया है। तेल को हम गर्म होने देंगे, जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक हम टिक्कियां बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो टिक्कियां बनाने के लिए हमने हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लिया है, अब हम थोड़ा सा डो लेंगे। तो टिक्की आप किसी भी साइज की बना सकते हैं, छोटी या बड़ी, जिस साइज की आपको पसंद हो। तो इस तरह से हम गोल गोल थोड़ा सा करेंगे और इन्हें टिक्कियों का आकार देंगे, थोड़ा सा चिपका देंगे। इस तरह से हम सारी टिक्कियां बना लेंगे। इस तरह से हमने दूसरी भी टिक्की तैयार कर ली है, इसी प्रोसेस में हम सारी टिक्कियों को तैयार कर लेंगे। तो सारी टिक्कियां हमने बना के तैयार कर ली है। 4 आलू में टोटल हमारी 7 टिक्कियां बनकर तैयार हुई हैं। अब हम इन्हें सेक लेंगे। तो तेल अच्छा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें टिक्कियां रखेंगे। तो हमें उतनी ही टिक्कियां रखनी है जितनी आराम से आ सकें इसमें। हम टिक्कियों को स्लो फ्राई करेंगे, आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। हमने 4 टिक्कियां रख दी हैं, जब हम पलटेंगे तो और टिक्कियां इसमें रखेंगे। गैस के फ्लेम को मैंने लो मीडियम रखा है, टिक्की एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तब हम इन्हें दूसरी साइड पलट देंगे। टिक्की एक साइड से अच्छी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब हम इन्हें दूसरी साइड पलट देंगे। सारी टिक्कियों को हम अच्छे से पलट देंगे। बनाना बहुत ही आसान है, जब भी कोई गेस्ट आ जाए तो आप इन्हें फटाफट बनाकर सर्व कर सकते हैं। अगर आलू उबले रखे हैं तो इनको बनाना बहुत ही आसान है।
10 मिनट में बनकर फटाफट तैयार हो जाती है। अब हम जो बची वाली टिक्कियां हैं वो भी इसमें लगा देंगे। थोड़ी सी जगह खाली है तो हम इन टिक्कियों को भी यहाँ पर लगा देंगे। सारी टिक्कियों को मैंने पैन में लगा दिया है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इन्हें हम पलट देंगे और इन टिक्कियों को हम निकाल लेंगे। तो ये वाली टिक्कियाँ हमारी गोल्डन ब्राउन सिक चुकी हैं और उधर वाली टिक्कियों पे हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे, लगाकर अच्छे से फैला देंगे और इन वाली टिक्कियों को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं दोनों साइड से टिक्कियाँ गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। इन टिक्कियों को हम सेक लेंगे। ये अभी गोल्डन ब्राउन नहीं हुई है, इनको अभी हम 2 मिनट तक और सेकेंगे। तो ये वाली टिक्की भी हमारी दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन सिक चुके हैं। आप देख सकते हैं दोनों साइड से टिक्कियाँ सिक चुकी हैं। अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पे एक प्लेट में 4 टिक्कियों को तैयार करने के लिए निकाल लिया है। अब मैंने यहाँ पे एक कटोरी में दही लिया है। ये दही होममेड है, आप चाहें तो बाजार का दही भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी मिला के इसको घोल लिया है। अब हम टिक्कियों के ऊपर दही डालेंगे। मैं सारी टिक्कियों के ऊपर दही डाल दूंगी। टिक्कियों के लिए थोड़ा गाढ़ा ही दही होना चाहिए, बहुत पतला नहीं होना चाहिए। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डालेंगे। और थोड़ा सा काला नमक। काला नमक हम बहुत कम डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी आलू में भी मैंने मिक्स किया था और थोड़ा बहुत चटनी में भी है। और लाल मिर्च पाउडर। अब मैं यहाँ पे हरे धनिया की चटनी डालूंगी। और यहाँ पे मैं इमली की मीठी चटनी डालूंगी। ये मैंने घर ही पे बनाई है। इसको आप अगर बनाकर फ्रीज में रख लेते हैं तो ये लगभग 5-6 महीने तक आराम से चल जाती है। तो आप कोई भी रेसिपी बनाएं, फटाफट आप इसे यूज कर सकते हैं, आपको बनानी नहीं पड़ेगी। तो ये मैंने इमली की चटनी डाल दी। अब हम इसके ऊपर थोड़े से सेव डालेंगे क्योंकि सेव से टेस्ट भी बढ़ता है और इसका कलर भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर आप किशमिश या अनार के दाने भी यूज कर सकते हैं। तो फाइनली हमारी टिक्की बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे सर्व करने के लिए एक कटोरी में निकाल लेंगे। तो फाइनली हमारी आलू टिक्की चाट बनकर सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन करे तो आप इसे फटाफट बनाकर खाएं और मेहमानों को खिलाएं। सो फ्रेंड्स, आपको हमारी यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।